खबर गाजीपुर जमाने से जयनगर पंचायत दिलदार नगर के अध्यक्ष अविनाश जायसवाल व शासी अधिकारी मनोज पांडे ने लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफलतापूर्वक लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई तथा नगर पंचायत के विकास में खर्च किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी पेश किया। चेयरमैन साहब, एक तरफ प्रदेश सरकार जो है 100 दिन की अपनी उपलब्धियां जो है गिना रही है, ऐसे में आपने 5 साल कार्यकाल पूरे करने जा रहे हैं, किस तरह की उपलब्धियां और क्या कृषक अभी बाकी है? सरकार के दरमियान बहुत अच्छा स्कीम चला, जैसे 10,000 रुपया जो मुद्रा लोन टाइप में जो हर दुकानदार को लाभ मिला है, हमारे दिलदार नगर में करीब मुद्रा लोन 160 लोगों को मिला हुआ है। 10,000 रुपया 20,000 रुपया लोग कम से कम 10 लोगों को लाभ मिला हुआ है। आज डेट में छोटे जितने भी निवेशक हैं वो बिजनेस प्रॉपर से सही सलामत ठीक ठाक दुकानदारी के अभाव में चल रहा है। अब सरकार की योजना जितनी भी चल रही है सब अच्छी से डायरेक्ट पार्टी के खाते में जा रहा है, जितने कस्टमर जिसको खाते में जा रहा है। बट किसी की नगर पंचायत नगर पालिका से बस यही है कि जनता की सेवा करिए, भाव रखिए, उसके बाद काम को जनता के बीच में दिखाइए। क्या कृषक अभी बाकी है? कृषक के बारे में तो यही कहेंगे, सरकार के दरमियान जो भी काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। समस्या के दरमियान जो सरकार चल रही है अपनी योजनाओं को रखने के लिए, हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम है, बहुत विभाग है, इसमें कंडीशन विभाग को हम लोग खुद ही नहीं कर पाते हैं। कसर तो बहुत सारी बाकी है, उसको करने के लिए इस्टीमेट है, काम है, करने का तरीका है, वो सरकार को बढ़ते हैं। प्रमुख समस्याएं नगर पालिका क्षेत्र में आती हैं, नाली इस तरह की, तो इस तरह की समस्याएं क्या इसका निजात हो पाया है या अभी तक वैसे ही बरकरार है? नगर पंचायत में हमारे सबसे जटिल समस्या सिर्फ जल निकासी की, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। रवि सवाल हमारे यहाँ पूरा डंपिंग के लिए स्वच्छ भारत अभियान के दरमियान पूरा डंपिंग के लिए जगह नहीं था। हमने सरकार के दरमियान लड़ झगड़ के जो भी 4 बीघा जमीन बरामद हमने किया नगर पंचायत के नाम से हुआ, उसमें मैंने व्यवस्था बनाया कि हमारा सेंटर बन चुका है, बस मशीन भी आ चुकी है, बस वो लगवाने का व्यवस्था बन रहा है, वो मशीन लग जाएगी स्वच्छ भारत के दरमियान। बहुत खुश रहा हमारा दिलदार नगर की जनता आपको पुनः दोबारा क्यों चुने, क्या लगता है? भाई जाहिर सी बात है कि पहले तो मैंने सब कुछ ब्यौरा दे दिया, देने के मीडिया के माध्यम से, अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हमको यही शौक था कि हम नगर पंचायत के दरमियान नगर पालिका जाए, कुछ बड़ा हिसाब ले लें, क्योंकि जहाँ पे काम करने का शौक मेरा पूरा हो सके। बट यहाँ पे बिजली पेमेंट के दरमियान यहाँ से हम लोग मार खाने के पेमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा होता है पैसा, पैसे के दरमियान से विकास हो सकता है।